अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सातवीं जमात के इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम जो चैप्टर देखने, उसका टाइटल हमारे सामने हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1.4, जिसका टाइटल है जर्नी टू द वेस्ट। जर्नी टू द वेस्ट ये चूंकि एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस वीडियो को हमने पार्ट वन नाम दिया हुआ है, जिसमें हम शुरुआत की कुछ एक्टिविटीज और स्टोरी देखेंगे और उसके बाद बाकी की स्टोरी पार्ट टू में देखेंगे। टाइटल हमारे सामने है जर्नी टू द वेस्ट। जर्नी यानी सफर करना, और वेस्ट के साथ जब दा लगा हुआ है तो आमतौर से जब हम वेस्ट कहते हैं तो ये जिस जगह की बात हो रही है वहां से वेस्ट की डायरेक्शन में। तो किस तरह से ये स्टोरी है चलिए देख। चैप्टर की शुरुआत में कुछ एक्टिविटीज दी हुई है वार्मिंग आपके तौर पर, जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट्स फॉरेस्ट माउंटेन्स ओशंस एक्सेट्रा टूडे, हाउ डिड दे डू इट इन द पास्ट। देखिए जमीन की मुख्तलिफ बनावटें होती हैं, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान होते हैं, बर्फीले पहाड़ होते हैं, सादे पहाड़ होते हैं, और कहीं कहीं पर फॉरेस्ट या फिर गार्डन्स वगैरह होते हैं, ग्रीन लैंड होता है ना, मीडोज होते हैं वगैरह। तो क्वेश्चन है हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट्स फॉरेस्ट माउंटेन्स ओशंस एसेट्रा टूडे। तो आज की तारीख में, आज के वक्त में किसी भी जगह पर हम लोग मौजूद हैं तो हम जीपीएस है ना, जीपीएस की मदद से लोकेशन को समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा शख्स कहां पर है। अगर हम बात करें कि हाउ डिड दे डू इट इन द पास्ट, तो पास्ट में किस तरह से होता था, पास्ट में लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे और साथ ही साथ स्टार्स की मदद से अपने सफर को जारी रखते थे। ठीक है, यहां पर जो चार लैंड फॉर्म्स बताए गए, डेजर्ट्स फॉरेस्ट माउंटेन्स ओशन एक्सेट्रा, लैंड फॉर्म्स होते हैं। आगे क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड से वेदर ईच वन इज हिस्टोरिकल और फिक्शनल, है ना। देखिए कोई भी बात या तो हिस्टोरिकल होगी या फिक्शनल होगी। हिस्टोरिकल कहते हैं तारीखी को, और फिक्शनल यानी ऐसी बातें, ऐसी कहानियां जो फर्जी हो। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके कई सारे जुमले हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इंडियन मर्चेंट्स यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज मेनी सेंचुरीज एगो, है ना। अब ये हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है उस पर अगर हम गौर करें तो इंडियन मर्चेंट्स की अगर बात हो रही है, इंडियन मर्चेंट्स समुद्री रास्ते से सफर करके दूसरे ममालिक में जाया करते थे। ये एक हिस्टोरिकल बात है, इसलिए उसे हम हिस्टोरिकल को टिक कर देंगे। हिस्टोरिकल यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस तरह के बातें हमें हिस्ट्री में मिलती हैं कि जब इंडियन जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो समुंदरों का सफर करते थे। क्वेश्चन वैसा ही है कि सिंधबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 वोयेजेस ना, सिंधबाद जो जहाजी है उसने 7 समुंदरों का सफर मुकम्मल किया था।
आपने भी स्टोरी सुनी होगी सिंदबाद जहाजी की। तो सिंदबाद जो सेलर है उसकी स्टोरी में वाक्य आता है कि उसने 7 मरतबा समुद्रों का सफर किया। क्या ये बात हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है? तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। सिंदबाद जहाजी की जो कहानियां हैं वो फिक्शन है। फिक्शन का मतलब क्या होता है कि राइटर ने अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए स्टोरी को लिखा हुआ है, लेना देना नहीं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द 20th सेंचुरी। ना 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी ने चांद पर कदम रखा था। चांद पर वो लोग गए थे। ये बात हिस्टोरिकल है या फिक्शनल? तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम हिस्ट्री में हमें मिलता है। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉट ना, जो खिला में गए और चांद पर उन्होंने लैंड किया। तो ये एक हिस्टोरिकल बात है, हिस्टोरिकल पॉइंट है। इस तरह आगे है अलादीन। अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट, है ना। अलादीन नामी जो किरदार है हम कहानियों में देखते हैं, आपने टीवी पर उसके कार्टून से भी देखे होंगे। सो ये जो अलादीन है वो अपने कारपेट यानी अपनी चटाई या कालीन के ऊपर बैठकर हवा में उड़ता है। ये बात हिस्टोरिकल है या फिक्शनल है? तो जाहिर सी बात है ये एक फिक्शनल कैरेक्टर की स्टोरी है, क्योंकि कोई भी शख्स मैट के ऊपर बैठकर हवा में इस तरीके से नहीं उड़ सकता जैसा हम अलादीन की कहानियों में पढ़ते हैं या देखते हैं। सो अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट, ये एक फिक्शनल बात है, उसका हिस्टोरी से हिस्ट्री। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ कंट्रीज बिफोर ही केम टू इंडिया, है ना। अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर ने बहुत सारे ममालिक का सफर बहुत सारे ममालिक को कॉन्कर कर लिया था। ना कॉन्कर का मतलब होता है उन इलाकों पर कब्जा कर लेना, उन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लेना। तो अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर आजम जो बादशाह गुजरा है, उसने बहुत सारे ममालिक पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वो इंडिया पहुंचा, और ये बात हिस्टोरिकल है क्योंकि अलेक्जेंडर के हुकूमत और उसके निजाम हुकूमत के ताल्लुक से हमें तारीख में उसकी मालूमात मिलती है। नेक्स्ट है गलीवर, है ना। गलीवर मेट वेरी टाइनी पीपल इन लिलीपुट एंड जायंट्स इन द कंट्री ऑफ ब्रॉबडिंगग, ना ब्रॉबडिंगनेक। सो गलीवर, ये एक स्टोरी आपने सुनी होगी, गलीवर्स ट्रैवल, जहां पर गलीवर जो है वो अलग अलग जजीरों का सफर करता है। तो वो जब एक जजीरे पर पहुंचा, वहां पर टाइनी पीपल से उसकी मुलाकात हुई। टाइनी पीपल जिसे लिलीपुट कहा जाता है ना, लिलीपुट जगह का नाम है, वहां पर बहुत ही छोटे बौने लोग रहते हैं। इसी तरह एक दूसरी जगह है ब्रॉबडिंग नेक, वहां पर जब वो पहुंचा तो वहां पर जायंट्स यानी बहुत बड़े बड़े लोग थे। गलीवर की स्टोरीज हम जानते हैं, ये एक फिक्शन ऑफ आर्ट है, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम जो देख रहे थे, अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके मीनिंग को समझते हुए हम ये देख रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है वो हिस्टोरिकल है और कौन सा जो सेंटेंस है वो सिर्फ फिक्शनल है, कहानियों में है, उसका हिस्ट्री से, तारीख या हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो है इसी तरह देर इज अ मैन इन द मून हु वॉचेज व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन द अर्थ, ना जमीन के ऊपर क्या चल रहा है इस बात को देखने के लिए एक आदमी चांद पर बैठा हुआ है और वो वहां से अर्थ को, है ना, जो हमारी जमीन है द अर्थ, उसको वो देख रहा है और वो मुशाहिदा कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी हमने बात की थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, वो लोग जब वहां गए तो वहां से उन्हें जमीन का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो जब हम ये कह रहे हैं कि चांद के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और हमें वो देख रहा है, तो ये एक्चुअल में एक
फिक्शनल पॉइंट है, इसका हिस्ट्री से या रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फ्यू मोर क्वेश्चंस। एम्परर अशोकाज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, है ना। इसी तरह जो अशोका, जो एम्परर अशोका था, उसकी हुकूमत भी अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई थी। ये हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि अशोक जो राजा था उसकी भी बहुत बड़ी हुकूमत थी, जो काफी बड़े इलाके पर, वसी इलाके पर फैली हुई थी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम आते हैं एक्चुअल चैप्टर की तरफ, जिसका टाइटल है 1.4 जर्नी टू द वेस्ट, है ना। यहाँ पर ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं, ये उसी जर्नी के दौरान की फर्जी तस्वीर है कि किस तरह से एक शख्स जो है वो सफर कर रहा है, और उसके साथ साथ कौन से लोग हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते। When we read the words journey to the west, we naturally start thinking a journey to the western countries like England and America, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एरो के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ही हमें कहा जाता है वेस्ट, तो वेस्ट की ये लफ्ज आने पर हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि ये इंग्लैंड या अमेरिका, जैसा कि देखिए मैप में निशान बना हुआ है जो डार्क ब्लू कलर से मार्किंग की हुई है, वो इंग्लैंड और अमेरिका है। तो इंग्लैंड और अमेरिका जाने के लिए हम इन शॉर्ट वेस्ट ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो इस की नहीं है, बल्कि वेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म फॉर कंट्रीज टू आर ईस्ट, वी आर द वेस्ट। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वाज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू आर ओन कंट्री। इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रेवलर यान चांग। देखिए यहाँ पर अब जो स्टोरी एक्चुअल में हम सुनने जा रहे हैं, तो वेस्ट का मतलब क्या होता है कि वेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, और हर कंट्री जो ईस्ट में रहेगा उसके लिए वेस्ट हम लोग हो जाते हैं। जिस तरह हमारे लिए वेस्ट इंग्लैंड हो जाता है, उसी तरह दूसरे ममालिक के लिए वेस्ट हम हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में ऐसे ही एक कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू आर ओन कंट्री, है ना। जैसा कि यहाँ पर हम मैप में भी देख सकते हैं कि चाइना से हमारे मुल्क भारत का जो सफर था, उसके बारे में यहाँ पर इस स्टोरी में बताया जा रहा है। इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रेवलर यांग चांग, है ना। यांग चांग नाम का जो एक सैयाह था, जो ट्रेवलर था, जो सफर करने वाला शख्स था, वो 7वीं सदी ईस्वी में चीन से निकलकर उसे भारत आने का शौक हुआ, कुछ मकसद के लिए वो भारत आना चाह रहा था। से उसका सफर गुजरा वो हम देख रहे हैं। इन दोज डेज ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन इजी टास्क। वन हैड टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑन फूट और हॉर्सबैक, क्रॉसिंग डेजर्ट्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स, क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफेमिलियर रीजन्स, यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड। हु वुड डू इट, ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि चाइना से लेकर भारत तक का जो सफर है वो इतना इजी नहीं था। इट वॉज नॉट इजी टास्क, बल्कि बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? कि वन हैड टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑन फूट और हॉर्स बैक, ना। इस सफर को तय करने के लिए, चूंकि उस जमाने में हवाई जहाज और दूसरी किस्म की फास्ट चलने वाली सवारियां नहीं थी, तो जब किसी को किसी दूर जगह पर सफर करना है तो उसे पैदल ही जाना पड़ता था, या फिर घोड़सवारी के जरिए से, हॉर्स राइडिंग के जरिए से वो अपने मकाम पर पहुंच सकता था। और जब वो इस तरीके से हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो इस दौरान क्रॉसिंग डेजर्ट्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स, स्ट्रेंज एंड फेमिलियर रीजन्स, है ना, हर तरीके की अलग अलग चीजें उसका सामना होता था। उसमें डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान भी होते थे, स्नो क्लैड माउंटेन्स, ना, माउंटेन्स यानी पहाड़, स्नो क्लैड का मतलब होता है बर्फों से ढकी हुई।
तो चूंकि हम जानते हैं चाइना और भारत के दरमियान जो हिमालय के पहाड़ हैं उसपे ऊपरी हिस्से पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है, तो ये जमी हुई बर्फ है या फिर रेगिस्तान का इलाका है या पहाड़ है, और इसी तरह स्ट्रेंज और अनफेमिलियर रीजन्स है ना, कुछ शहर या मकामात ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अनफेमिलियर है, यानी हम उसको नहीं जानते, वहां के कैफियत को, वहां के रस्म रिवाज को, वहां के रहन सहन को हम नहीं समझ पाते। और इन तमाम चीजों के दरमियान से गुजरते हुए किसी को सफर करना होता था। उसी के साथ साथ वेयर यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स ना, बैंडिट्स एंड रॉबर्स यानी यहाँ पर डाकू से मुराद है रोम के डाकू भी घूम रहे होते, तो सफर करना इतना आसान नहीं था। उसके बावजूद क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वुड डू इट, कौन है जो ये सफर को करेगा, है ना, जहां पर हमने देखा किस तरह से उसकी तैयारी कर दी है। अब देखते हैं एक्चुअल में किसने वो सफर किया। बट योन चांग हैड अ ड्रीम, ही वांटेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होम लैंड इन चाइना, इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम, है ना। यांग चोंग नाम का जो ट्रैवलर था उसका एक ही ड्रीम था, उसका ड्रीम क्या था, ही वांटेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, है ना, बुद्ध मजहब के जो स्क्रिप्चर्स यानी तहरीरें हैं, जो लिखावटें हैं पुराने जमाने की, जो कि इंडिया में है, वहां से उसे वो अपने मुल्क से मुराद होमलैंड, अपने मुल्क को चाइना ले जाना चाहता था। और जब कोई इस तरीके से मजहबी अकीदे की बुनियाद पर सफर कर रहा हो तो उसे पिलग्रिमेज कहा जाता है, इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम, है ना, ये सफर एक तरीके से उसके लिए एक मजहबी सफर के जैसा हो गया था, जहां पर वो भारत में सफर के लिए जा रहा था ताकि वहां से इकट्ठा कर सके। यहाँ पर देखिए किस तरह से उसका मैप हमारे सामने नजर आ रहा है कि वो इस रास्ते से होते हुए भारत पहुंचा था। योन चोंग अंडरटूक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम, फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स ही केप्ट ऑन ट्रेवलिंग सफरिंग मेनी हार्डशिप्स ऑन द वे, है ना। देखिए यहाँ पर जैसा कि इस मैप में हमें नजर आ रहा है, तो इस रास्ते से उसने सफर करना शुरू किया था और रास्ते में उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, इसके बावजूद वो ही केप्ट ऑन का मतलब होता है जारी रखना, उसने अपने सफर को जारी रखा। सफरिंग मेनी हार्डशिप्स ऑन द वे, और सफर के दौरान बहुत सारा हार्डशिप यानी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा, तब जाकर उसका ये सफर जो है वो पॉसिबल हो सके। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट्स, है ना। देखिए यहाँ पर अब उसके कुछ रास्ते में पड़ने वाले खास मकामात के बारे में बता रहे हैं, देन अलोंग द टायन शान माउंटेन रेंज एंड ऑन अलोंग द सिल्क रोड थ्रू रीजन दैट आर नाउ कर्जिस्तान, अजबेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर ही केम टू इंडिया, है ना। देखिए ये जो मैप में हम देख रहे हैं ब्लैक कलर से लाइन बनी हुई है, वहां से उसने सफर करते हुए अजबेकिस्तान हो या कर्गिस्तान हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तमाम ममालिक से होते हुए वो हमारे मुल्क भारत में पहुंचा था। इन इंडिया ही ट्रेवल टू मेनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मेनी इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। जब वो इंडिया पहुंच गया तो उसने क्या किया, ही ट्रेवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों में जाता और वहां जाकर ही गैदर्ड मेनी इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं किसी मुसन्निफ के जरिए हाथों से लिखी हुई स्टोरी या सॉन्ग, तो उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो बुद्ध मजहब के बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इंडिया में थे, वो उन्हें अपने मुल्कों में ले जाना चाहता था, किया। द वे बैक
होम वाज आल्सो इक्वली डिफिकल्ट, है ना। देखिए, अब चूंकि जाने के लिए ही इतना मुश्किल रास्ता रास्ता जो है वो तय करना होता है, तो जाहिर सी बात है काम खत्म होने के बाद उन्हें वापस घर भी जाना है। सो द वे बैक वॉज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट, बट योन चोंग मैनेज टू रीच चाइना आफ्टर सेफली अलॉन्ग विद द स्क्रिप्चर्स। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपर नेचुरल पावर्स एंड हेल्प योन चोंग इन हिज क्वेस्ट। सो जब वो वापस अपने मुल्क में पहुंचा तो लोगों को उसे उसकी इस अचीवमेंट पर, कामयाबी पर यकीन नहीं आ रहा था। इट वॉज अनबिलीवेबल, है ना, लोगों के लिए ये नाकाबिले यकीन था। लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि योंग शोंग जो है वो उसने सफर करके भारत जाकर वहां से रोड के रास्ते से, वो रोड के रास्ते से वापस चाइना आ गया हुआ है और उसने वहां से मैन्युस्क्रिप्ट्स ले लिए हुए हैं। फिर कुछ लोगों को ऐसा यकीन था, दे द पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपर नेचुरल पावर्स हैड हेल्प योन चोंग इन हिज क्वेस्ट, है ना, कि सुपर नेचुरल पावर्स यानी कुछ फरिश्ते होंगे, कोई और खुदा की तरफ से मदद आ गई होगी जिसने उसकी मदद की होगी, वरना इस तरीके से इतना मुश्किल नहीं कर सकता था। दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स। सेंचुरीज लेटर एन एपिक नावल कॉल्ड जर्नी टू द वेस्ट वॉज रिटन अबाउट दिस फेमस पिलग्रिमेज। द नावल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स। द नावल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर, है ना। देखिए, वो जब वापस अपने मुल्क पहुंच गया तो उसके वापस पहुंचने पर बहुत सारी कहानियों ने जन्म ले लिया। किस तरह से के जो लोग जैसा सुनते थे किसी के मुंह से, वो अपने अंदाज में किसी और को बता देते थे। इस तरह करते करते काफी लोगों को ये बात मालूम पड़ जाती थी कि कौन क्या करने वाला है। जब बहुत सारी कहानियां उस जमाने में फैल गई तो सेंचुरीज लेटर, कई सौ सालों के बाद, एन एपिक नावेल कॉल्ड जर्नी टू द वेस्ट वाज रिटन अबाउट दिस फेमस पिलग्रिमेज, है ना। लोगों से कहानियां सुनते सुनते एक राइटर ने उस कहानी को नावेल की शक्ल में इकट्ठा किया और उसका नाम लिखा जर्नी टू द वेस्ट। द नावेल मेड यूज ऑफ मेनी फोक टेल्स, है ना, उसमें बहुत सारी फोक टेल्स यानी इलाकाई कहानियां हैं। द नावल एंड स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर, और जैसा कि हम भी पढ़ रहे हैं और इसके अलावा बाहर भी किताबों का चलन बहुत ज्यादा है, तो लोगों को उनकी कहानियां अच्छी लगती है और आज भी वो बहुत ज्यादा द नावल टेल्स अस दैट देर आर मेनी डेमन्स एंड एविल पावर्स हु आर ईगर टू किल एंड गॉबल अप द होली मॉन्क, हु वुड सेव हिम, हु वुड वैनक्विश द डेमन्स। देखिए, अब यहाँ पर रास्ते में उसे बहुत सारे डेमन्स यानी शैतान एंड एविल पावर्स, है ना, बुरी ताकतें जो है वो रास्ते में उसे उसका सामना हो रहा था और जो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हु वुड सेव हिम, उसे कौन बचाएगा, एंड हु वुड वैनक्विश द डेमन्स, इन राक्षस या शैतानों की उनको कौन वैनक्विश करेगा, शिकस्त देगा। ये तमाम बातें उसके जरिए तरह से उसने सफर किया, हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। वेल, द गैरविन डाइटी हु इज द गॉडेस ऑफ मर्सी हैज सीन टू दैट। शी हैज असाइंड दिस टास्क टू थ्री स्पेशल पीपल, स्वान वुकोंग और द मंकी किंग, जूबाजी और पिक्सी एंड शा वुजिंग और सैंड प्रिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ग्वानिन डाइटी यानी एक तरीके का गॉड है ना, जैसा कि हम जानते हैं हम इस्लाम में सिर्फ एक गॉड को मानते हैं कि एक गॉड है, उसी के कहने से सब कुछ हो रहा है, उसी के हुक्म से दुनिया चलती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
एक खुदा को नहीं मानते, बल्कि उनके अलग-अलग खुदा होते हैं। तो यहां पर भी जो गॉनिन डाइटी से मुराद एक गॉड है जो मर्सी वाला गॉड है ना, और मर्सी वाला गॉड जो था हैज सीन टू दैट, है ना। अच्छा, यहाँ पर वर्ड गॉडिस यूज हुआ है, यानी वो देवी है, रहम की देवी। तो रहम की देवी जो उनके मजहब के मुताबिक थी, वो सारा मंजर देख रही थी। शी हैज असाइंड दिस टास्क टू थ्री स्पेशल पीपल, है ना। उसने, उस डाइटी ने, उस देवी ने तीन लोगों को इस काम पर मामूर कर दिया, लगा दिया। वो तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सन, वो कॉन्ग, और द मंकी किंग ना? सन वुकोंग और मंकी किंग, ये दोनों उन्हें मुख्तलिफ काम दे दिए गए। इसी तरह जुबाजी है और पिग्जी, एंड शावुजुंग और सैंड प्रीस्ट, है ना। सैंड प्रीस्ट से मुराद यहाँ पर कि रेत का जो देवता होता है, जो वहां का रेत का पुजारी है, उसके ताल्लुक से। तो इतने सारे लोग, यानी सन है, मंकी किंग है, जुबाजी और पिक्सी है, और शाओजुंग और सैंड प्रीस्ट है, इतने सारे लोग निकामे थे और आगे की... हाँ, इतने सारे लोगों ने उसकी हेल्प की होगी जब वो सफर पर जा रहा था। ठीक है, तो ये यहां तक आज हम स्टोरी को देख रहे हैं। आखिर किस तरह से, कौन सी मुश्किलात का सामना रहा, ये तमाम चीजें हम लोग इस चैप्टर के अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश कीजिए उसे सॉल्व करने की, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के खत्म होने के बाद जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आगे की स्टोरी आपको समझना आसान हो जाएगी। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे, उसमें कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।